यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो देखिए दोस्तों, एसटीटी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भाई एसटीटी रिजल्ट जारी ना होने से कहीं ना कहीं छात्र जो हैं गुस्साए हुए हैं, और ऐसे में पंचायतों में नौवीं की पढ़ाई को शुरू करने की तैयारी पूरी कर दी गई है और जल्द से जल्द नौवीं की पढ़ाई जो है वो प्रारंभ होने जा रही है और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षकों का नियोजन नहीं होता है एसटीटी, तो जो शिक्षक हैं वो विद्यालयों में कैसे मिल पाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने साफ तौर पे अपनी मनसा को जाहिर किया है और कहा है कि यदि एसटीटी रिजल्ट जारी नहीं होता है तो वो किसी भी कीमत पर नीतीश सरकार को वोट नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पर ये बात रखी गई है और विद्यार्थी परिषद ने ये दृढ़ निश्चय किया है कि यदि एसटीटी का रिजल्ट 2 सप्ताह के भीतर सरकार नहीं जारी करती है तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पे नीतीश सरकार को वोट देने के लिए राजी नहीं होंगे। तो देखिए खबर आई है साफ तौर पर, पटना से ये खबर छापी गई है और देखिए लिखा है, एसटीटी परीक्षा रद्द हो जाने से गुस्साए छात्रों ने कहा कि यदि एसटीटी का रिजल्ट जारी नहीं होता है तो इस बार नीतीश सरकार को वोट नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गिरावट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही काल में है। उनका कहना है, देखिए साफ तौर पे आज आपने एक न्यूज़ भी देखा होगा जिसमें कि कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने शेयर किया था इस न्यूज़ को, और मैंने भी आपको काफ़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी जिसमें कि कुछ लोगों ने ये लिखा हुआ था कि भाई शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो सबसे अच्छी है बिहार में, और वो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई भी थी प्रीवियस वीडियो में जिसमें कि ये बात साफ तौर पर रखी गई थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जो छात्र हैं, जो शिक्षित युवा हैं, उनकी क्या मनसा है। आपको पता होगा कि किसी भी राज्य की जो दृढ़ता और सुदृढ़ता होती है वो वहाँ के युवाओं के शिक्षा और दीक्षा से होती है। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं ने क्या बात कही है। युवाओं ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश सरकार के समय में अधिक से अधिक जो है वो गिरावट आई है शिक्षा के क्षेत्र में, और जबकि इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट ऐसे किए गए थे जिसमें कि ये बात रखी गई थी कि नीतीश कुमार के समय में जो है वो गुणवत्ता बढ़ी है। तो वैसे में अब देखना ये होगा कि भाई युवा की बातों को माने या फिर किसी नेता के बातों को माने। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं। अब देखिए साफ तौर पे कहा गया, बड़े बड़े आरोप जो हैं वो एसटीटी अभ्यर्थियों ने लगाया है। ऐसे में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और सभी तक खबर को पहुँचाइए। कहा गया है कि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं। देखिए लिखे, वह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो संपूर्ण विद्यार्थी परिषद वोट का बहिष्कार करेगा। उनका कहना है कि एसटीटी रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री विचार करें और जल्द से जल्द रिजल्ट को प्रकाशित करें। बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है, ऐसे में रिजल्ट का प्रकाशित नहीं होना, टीचर बनने का सपना देख रहे छात्रों को नौकरी जो है वो नहीं मिल पा रही है। यदि रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है तो शिक्षक बनने का सपना देख रहे छात्रों को जो है वो नौकरी मिल जाएगी। तो साफ तौर पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये खबर काफ़ी प्रमुखता से दिखाई थी, और एसटीटी के रिगार्डिंग जो भी खबर आती है मैं सीधे प्रमुखता से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये खबर दिखानी पड़ती है। और हम चाहते हैं कि एसटीटी अभ्यर्थियों को न्याय मिले, क्योंकि किसी भी तरीके से 5 महीने बाद जो रिजल्ट का रद्द हो जाना विद्यार्थियों के साथ एक छलावा हो सकता है। तो अधिक से अधिक वीडियो और पोस्ट को जो भी है शेयर कीजिए दोस्तों में, और किसी भी खबर को जानने के लिए चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।